साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों बात करते हैं सिंगापुर से रिलेटेड। सिंगापुर में लॉकडाउन या कोरोना से क्या हालचाल है, वहाँ की क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे रिलेटेड हम बात करना चाह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं साथियों सिंगापुर में कोरोना के क्या हालात है। आपको पता साथियों सिंगापुर की पॉपुलेशन कितनी है, 58 करोड़, यानी मात्र और मात्र 60 करोड़ से भी कम जनसंख्या है। यानी अपने एक राज्य में भी इतना, ये मान लीजिए इतना ही है वहाँ की पॉपुलेशन कम होने की वजह से, लेकिन वहाँ पे एरिया बहुत छोटा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोग थोड़ी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। लगभग वहाँ पे 1500 के करीब लोग पॉजिटिव वहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें से 6 अभी डेथ हुई हैं। डेथ का रेशियो बहुत कम है, 6 डेथ हुई हैं। 350+ लोग अभी रिकवर हो चुके हैं कोरोना बीमारी से। तो कहने का मतलब यह है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी कंट्रोल किया हुआ है। अचानक से सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी एक दो तीन दिन के अंदर अंदर 20,000 विदेशी नागरिकों को, जिसमें बंगाली थे और पाकिस्तानी थे, उनको एक तरह से कुछ छांट छूट के ऐसा कुछ वहां पे न्यूज चल के आ रही है कि 20,000 लोगों को अलग ही कर दिया गया है। उसमें से हो सकता है 2-4 लोग पॉजिटिव हो गए होंगे, तो करना पड़ता है, सरकार की मजबूरी होती है, वरना उनको नहीं करेंगे तो वो सबको फिर ले डूबेंगे। अभी सिंगापुर गवर्नमेंट ने 7 अप्रैल से 7 मई तक के लिए 1 महीने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। पहले भी था लेकिन अभी सख्ताई से पालन होगा, क्योंकि ये केस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो फिर सख्ताई करनी पड़ेगी। सब कुछ बंद है साथियों, वहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं, जिसमें आप बोल सकते हैं मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग या फिर पेट्रोल से रिलेटेड या फिर इमरजेंसी जो सुपरमार्केट वगैरह, ये ही चालू रहेंगे, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज रहेगा ताकि कोरोना पे कंट्रोल किया जा सके। अब भाई बात बता दूं मैं कि अब लोग बोलते हैं सर सिंगापुर से रिलेटेड बताइए, तो भाई सिंगापुर से रिलेटेड क्या पूछोगे। 70% तो सिंगापुर में चाइनीज़ है, ठीक है, 30% में अदर एशिया आती है। तो देख लीजिए आपकी वहाँ पे कितने तो पॉपुलेशन है इंडिया या पाकिस्तान की। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वर्करों के लिए कुछ करेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने लोग पैसे वाले होते हैं ना, वो छोटे लोगों की तरफ कम सोचते हैं, मेरी जहाँ तक सोच है। गल्फ में कंट्रियों ने झटझट कर दिया, उन सब की न्यूज़ आ गई, लेकिन ये जो अपन मानते हैं ना पैसे वाली कंट्री, ये कुछ नहीं करने वाली, मुझे नहीं लगता कुछ करेगी। अभी तक तो कोई आया भी नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। बाकी काम नहीं होगा, अप्रैल पूरा निकलेगा, मई में ये देख लीजिए 7 अप्रैल से 7 मई तक, यानी मई में कर्फ्यू रहेगा 100%, और जून में जाके देखो अगर 3 महीने में कुछ प्रोसेस होता है तो आपने किसी के पास पैसे फंसा रखे हैं, पासपोर्ट दे रखा होगा या फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा होगा, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। सिंगापुर से रिलेटेड आराम से रेस्ट कीजिए 2 से 3 महीने तक, इससे पहले मुझे लगता है गल्फ खुल जाएगा, दुबई कतर स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी वहाँ की स्थिति उधर की तरफ आपको पता है क्या स्थिति है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हो पाएगा। तो सिंगापुर से रिलेटेड मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन वाली कोई बात नहीं है कि आपको इसमें कोई स्वार्थ से दे कोई फ़ायदा हो, लेकिन जो जानकारी थी मैंने शेयर कर दी। आगे मेरे पास अगर कोई जानकारी आती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर सिंगापुर से रिलेटेड आप कोई जानकारी आप रखते हैं तो आप मुझे शेयर कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।